सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y200 फोन के इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने के बारे में। सो अगर आपको आपको वीवो के Y200 फोन में न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन अप्लाई करना है तो फाइनली आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोग को एक नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। फाइनली आप लोग यहाँ पर डेमो देख सकते हो। मैंने अपने फोन को लॉन्ग प्रेस किया एंड लॉन्ग किया और लॉक करने के बाद यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको एक। तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो फाइनली अगर आप लोग इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन अपने वीवो के Y200 फोन में अप्लाई करना चाहते हो न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो फाइनली आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। मैं आप लोग को एक ढेर सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूँ ताकि आप लोग अपने फोन में अप्लाई कर सको। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर जरूर कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास वीवो का Y200 फोन है, फाइनली अगर आप लोग फिंगरप्रिंट एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो फाइनली इस तरीके का, मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ अपने फोन को। मैंने एक बार लॉक किया, अब यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर एनिमेशन जो मैंने अपने फोन में लगा रखा है, फाइनली इस तरीके का एनिमेशन अगर आप लोग अपने Y200 फोन में अप्लाई करना चाहते हो, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, तो फाइनली आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे आप अपने Y200 फोन में चेंज कर सकते हो, वो भी एक नहीं दो नहीं, आप लोग को ढेर सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताने वाला। तो फाइनली चलिए मैं आप लोग को चलकर दिखाता हूं कैसे आप लोग कर सकते हो। तो फाइनली इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आप लोग को एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप का आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, अदरवाइज आप लोग प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर के अंदर से कैसे आप लोग डाउनलोड करना है मैं आप लोग को चलकर बता देता हूं। फाइनली आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर आना है और यहां पर आपको लिखना है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जैसे ही यहां पर आप लिखते हो, जैसे ही मैं लिखता हूं यहां पर फिंगरप्रिंट, यहां पर लिखूंगा और फिंगरप्रिंट जैसे ही लिखोगे आप लोग फिंगरप्रिंट जैसे ही लिखोगे आप लोग यहां पर, तो यहां पर आपको एक मिल जाएगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन। लिखने के बाद आपको यहां पर मिल जाता है फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन, ये वाला। तो ये वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड किया था। अब दोस्तों क्या कि मैं इसे अनइंस्टॉल करके फिर से आपको पूरे एनेबल करने का तरीका बताऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने वीवो के Y200 फोन में आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है एंड अनइंस्टॉल होने के बाद क्या है कि आप लोग को चल के दिखाता हूँ मेरे होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर एंड कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को क्या करना है, फिंगरप्रिंट एनेबल करने के लिए आपको इसे डाउनलोड करना है और ये एप्लीकेशन आपके फोन में तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 23 से 24 MB का एप्लीकेशन आता है। तो फाइनली आपको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों मेरे फोन में ये डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो 23 से 24 MB का है। फाइनली तुरंत आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड होता है, जब तक इसकी रेटिंग की बात करूं तो यहां पर डाउनलोडिंग की बात करें तो 5 मिलियन तक डाउनलोडिंग है एंड अच्छी खासी रेटिंग है, 3+ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो तो इसकी रेटिंग है, तो अच्छी खासी रेटिंग भी इसकी है। तो फाइनली यूजफुल एप्लीकेशन है, आप लोग अपने फोन में इसे ट्राई कर सकते हो। तो मेरे फोन में डाउनलोड हो चुका, मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन होने देना है। तो जैसे आपका यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर एक गेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, गेस्ट स्टार्ट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐड आ जाएगा, ऐड को यहाँ से आपको स्किप कर लेना है। स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, कुछ सेकेंड के बाद आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्किप करना है, एक बार फिर से आपको स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा, दोबारा भी आप लोग कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन इस तरीके से परमिशन मांगेगा, आपको क्लिक करना है। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन इस प्रकार का इसके अंदर ढेर सारे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं ये वाला फिंगरप्रिंट अप्लाई करने वाला हूं, आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं अप्लाई करके। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर इसके साइज को आपको मेंटेन करना है। यार यहां पर 22 करना हमें,
75 यानी कि 75 पॉइंट आप रख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में साइज को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर छोटा भी कर सकते हो, जितना बड़ा रखना है जितना छोटा रखना आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना, अगर आप लोग अपना खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो फाइनली इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर 30 सेकेंड का एड आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना खुद का फोटो इसके अंदर लगा पाओगे। तो फाइनली क्या है, आपको वेट करना है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड आपको वेट करने के बाद आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना भी वॉलपेपर लगा सकते हो अदरवाइज कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आपको 30 सेकंड वेट करना है ऐड, उसके बाद आपको कट करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर स्किप कर सकते हो। तो फाइनली मैं यहां से वेट कर लेता हूं 30 सेकंड, कुछ सेकंड और बचे हैं फिर आपको चलकर दिखाऊंगा अप्लाई करके। तो दोस्तों यहां पर आ चुके हैं हम, 6 सेकंड तक बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ऐड हुआ खत्म, अब मैं करता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद हमें करना है गैलरी का ऑप्शन, गैलरी पे क्लिक करना है एंड आप अपने गैलरी के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका फोटो उठा लेना है यहाँ से। जैसे आप अपना फोटो लोगे यहाँ पर सही के निशान पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ सेकंड के बाद एक सेट नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको सेट नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ फिर आपको चलकर दिखाता हूँ। तो सेट नाउ पे हमें क्लिक करना आ चुका है कंप्लीट, उसके बाद फिर से ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका सेट नाउ क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अब यहां पर ओके पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, अब यहां पर आपको अलाउ पे क्लिक कर लेना है, दोबारा अलाउ पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना एंड सेट तो लॉक स्क्रीन एंड डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आपका सक्सेसफुल लॉक स्क्रीन पे लग जाएगा आपका फिंगरप्रिंट एनिमेशन, आप लोग एनेबल कर सकते हो इस तरीके से। ऐड आएगा इसको स्किप कर लेना। अब मैं एक बार आपको फोन को लॉक करके दिखाता हूं, मैंने देख सकते हो वॉलपेपर चेंज कर लिया, यहां पर बढ़िया तरीके से आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अब मैं लॉक करता हूं यहां पर, तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, आप लोग देख सकते हो यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं दिखाता हूं फिर से आपको, तो देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। तो फाइनली आप लोग अपने Vivo के Y200 फोन में फिंगरप्रिंट एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं ढेर सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन, आप लोग अपने फोन में जो भी पसंद आता है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो क्या दोस्तों यहां पर बैक करना है, और यहां पर मैं बैक करके आता हूं, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का, एनिमेशन पे क्लिक करोगे ढेर सारे एनिमेशन है, आप लोग इनमें से कोई भी एनिमेशन अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो, देखने में इंटरेस्टिंग एंड अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके फोन के सेटिंग के अंदर जो कि घिसा पिटा फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है आप लोग इसके अंदर से चेंज करके यूज कर सकते हो एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो फाइनली आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस लेना, ताकि आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो फाइनली चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।